अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जो हम जॉब लेके आए हैं वो ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रहीम यार खान में है। ये नॉन टीचिंग की जॉब्स हैं। पहले जो मैंने आपको बताई थी वो टीचिंग की जॉब थी, ये नॉन टीचिंग की जॉब है। चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन सी जॉब है और हम इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम पहले नंबर पे आए तो चीफ इंजीनियर चाहिए, 20वां स्केल है, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर चाहिए, एडिशनल डायरेक्टर चाहिए, फिर एडिशनल लाइब्रेरियन चाहिए, असिस्टेंट डायरेक्टर एक्सटर्नल लिंकेज चाहिए, फिर एडिशनल रजिस्ट्रार चाहिए, फिर यहाँ पे एडिशनल कंट्रोलर एग्जामिनेशन है, एडिशनल ट्रेजरी है, डिप्टी डायरेक्टर प्रेस मीडिया एंड पब्लिकेशन चाहिए, फिर यहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर परचेज एंड स्टोर चाहिए, डिप्टी डायरेक्टर ORIC चाहिए, डिप्टी डायरेक्टर QEC चाहिए, डिप्टी डायरेक्टर PND चाहिए, फिर डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स चाहिए, डिप्टी डायरेक्टर ITS चाहिए, फिर डिप्टी लाइब्रेरियन चाहिए, फिर डिप्टी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेटर चाहिए, फिर डिप्टी रजिस्ट्रार चाहिए, डिप्टी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन चाहिए, फिर डिप्टी ट्रेजरी चाहिए। यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट भी आगे लिखी हुई है कितनी पोस्ट चाहिए, फिर सीनियर इंजीनियरिंग एंड सिविल चाहिए, फिर यहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर प्रेस मीडिया एंड पब्लिकेशन चाहिए, फिर असिस्टेंट डायरेक्टर परचेज एंड स्टोर चाहिए, फिर यहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर आप उसकी मुख्तलिफ पोस्ट है ये भी आप देख सकते हैं, फिर यहाँ पे नीचे असिस्टेंट डायरेक्टर QC, असिस्टेंट डायरेक्टर PND, असिस्टेंट डायरेक्टर ITS, असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन चाहिए, फिर असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल मैटर्स चाहिए, फिर असिस्टेंट रजिस्ट्रार चाहिए, असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन चाहिए, असिस्टेंट ट्रेजरी चाहिए, मेडिकल ऑफिसर चाहिए, प्रोटोकॉल ऑफिसर चाहिए, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट चाहिए, फिर यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर सिविल चाहिए, सिक्योरिटी ऑफिसर चाहिए। और यहाँ पे आप मुख्तलिफ पोस्ट है ये देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन सी है, फिर हॉर्टिकल ऑफिसर चाहिए, फिर यहाँ पे ट्रेड ऑफिसर चाहिए, असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफिसर चाहिए, फिर ये भी आप देख सकते हैं इसमें मुख्तलिफ पोस्ट है, फिर पर्सनल सेक्रेटरी चाहिए, कंप्यूटर प्रोग्रामर चाहिए, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर चाहिए और असिस्टेंट लाइब्रेरियन चाहिए। ये मुख्तलिफ पोस्ट है, इस पे आप पोस्ट भी देख सकते हैं और यहाँ पे आप इसकी क्वालिफिकेशन है, ये क्वालिफिकेशन वगैरह और एक्सपीरियंस वगैरह इसके रेलिवेंट जो भी चाहिए वो भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे एज वगैरह पूरी डिटेल लिखी हुई है। इसका लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके इसको रीड आउट कर सकते हैं। हम इसमें देखते हैं कि इसमें कैसे अप्लाई करना है। इस पोर्टल के थ्रू आपने यहाँ पे अप्लाई करना है, आपने पहले सबसे बैंक चलान फॉर्म डाउनलोड करके उसको पे करना है, 3000 का आपने बैंक चलान फॉर्म फिल करना है 19वें स्केल से अबव के लिए, और 18वें स्केल के लिए 2500 है और 17वें स्केल के लिए 2000 रुपये है। अब हम इसकी पोर्टल पे जाते हैं और देखते हैं इसकी एड हम कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इसके पोर्टल्स पे हम कैसे अप्लाई कर। जैसे ही हम इसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एड है जो फैकल्टी की यानी कि टीचिंग की जो जॉब थी वो थी, यहाँ पे नॉन टीचिंग स्टाफ है ये वही जॉब है जिसके मैंने अभी रिव्यू कराया, इसको आप डाउनलोड करके यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। रीड आउट करने के बाद आपने यहाँ पे पोर्टल पे जाना है, जिस पोस्ट पे आपने अप्लाई करना है वो देख लेनी है, फिर यहाँ पे रजिस्टर नो पे क्लिक करना है, यहाँ पे पूरी अपनी डिटेल फिल करके रजिस्टर करके साइन इन कर देना है, साइन इन करके अपनी पूरी इंफॉर्मेशन फिल करेंगे तो आपका यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ये थी हमारी आज की पोस्ट जिसमें हमने आपको बताया कि आप इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।